नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आरपीएफ नई भर्ती 2024 को लेकर, जो आरपीएफ में 4660 वैकेंसी आएंगी कांस्टेबल और दरोगा की। तो इसमें आप कांस्टेबल और दरोगा कैसे बने, तैयारी को कैसे सुनिश्चित करें, कितने घंटे पढ़ाई करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आज मैं आपको सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यानी कि बेस्ट रणनीति आपको बताऊंगा, जिसके बल पर आप इस एग्जाम को जो है आप अपने प्रथम प्रयास में ही जो है सफलता पाएंगे। 100% सिलेक्शन की तैयारी मिलेगी आपको इस प्लेटफॉर्म से। 90 दिन का प्लान आपको बताया जाएगा, साथ ही साथ आपको मैं 4 बेस्ट बुक आपको बताऊंगा जिनसे पढ़ने पर होगा बेड़ा पार। तो हो जाइए तैयार। आप में से कितने सारे बच्चे हैं जो इस बार आरपीएफ कांस्टेबल और दरोगा के लिए जो है बिल्कुल तैयार है, मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि आप लोग इस वैकेंसी के लिए तैयार हैं कि नहीं है, और कौन कौन हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए 90 डेज का बेस्ट प्लान लेकर आ रहा हूं और आपको बताऊंगा भी कि क्या क्या पढ़ना है, साथ ही साथ बुक भी बताएंगे, जिससे जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो अपना बुक से प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी क्लास में आके रिविजन कीजिए, और इसके दम पर आप जो है अपने आप वर्दी को अचीव करेंगे, इस बार अपनी वर्दी को हासिल करके रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पर, इसमें 2 मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि 90 डे का जो प्लान रहेगा उसमें आपको कितने घंटे डेली आपको पढ़ना होगा, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी यहाँ पर बुक लिस्ट को लेकर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जो आरपीएफ का सिलेबस है, इसमें आप लोगों के जीएस के 50 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे बेस्ट, सबसे पहले अपने माइंड में सेट कर लीजिए, देखो जीएस में 50 में से आपको टारगेट लेके चलना है आपको 30+ का। ओके, जीएस में 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 30+ क्वेश्चन सही करने हैं और वो आप कर लोगे। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो क्लास करवाऊंगा, जो बुक्स बताऊंगा, उससे आपके आराम से आ जाएंगे। मैथ में आप लोगों को अपने 33 क्वेश्चन सही करके चलने हैं, कुछ बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं लेकिन मैं बहुत कम, ना के बराबर मान रहा हूं। और रीजनिंग में भी आप लोगों को यहाँ पर 33 क्वेश्चन सही करने हैं, क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 30, 30, 30, 90 और 6, 96, यानी कि ये जो आपका 120 नंबर का जो आपका पेपर होता है, 120 नंबर में अगर आप 96+ स्कोर कर पाए तो सिलेक्शन के लिए इतना पर्याप्त होगा। अब कैसे पढ़ना है, सुबह किस टाइम पढ़े, दोपहर में कितने घंटे, शाम में, देखो तो सुबह आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है क्योंकि क्लास आप लोगों की 10 या 10:30 बजे शुरू होती है, तो सुबह मॉर्निंग में आप लोगों के पास 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे से जब भी आप पढ़ने बैठिए कम से कम सुबह अपना 2 घंटे पढ़ाई कीजिए। 2 घंटे सबसे पहले सुबह सुबह आप लोग जो है यहाँ पर जीएस को दीजिए। दोपहर में अगर हम बात करेंगे फिर आपकी क्लास भी शुरू हो जाती है, आप क्लास को देखेंगे, उसको तैयार करेंगे, रिविजन करेंगे, कम से कम दोस्तों दोपहर में भी अपना जो है यहाँ पर है ना 3 से 4 घंटे आप लोग दोपहर में दीजिए, जिनमें आपकी क्लासेस भी शामिल रहेंगी, क्लास का रिविजन भी शामिल रहेगा, और शाम से रात तक कुछ बच्चे लेट नाइट पढ़ने वाले होते हैं तो शाम में भी आप मान के चलिए यहाँ पर कम से कम 4 घंटे आप पढ़ाई करेंगे जिसमें क्लास भी शामिल रहेंगी, क्लास वाले टाइम को ऐड मैंने नहीं किया है, और उनको रिवीजन करोगे, याद करोगे, तो कुल मिलाकर ये आपकी टाइमिंग रहेगी। सुबह 2 घंटे आराम से पढ़िए, दोपहर में क्लासेस के साथ उसको नोट्स बनाना, रिवीजन करना 3 से 4 घंटे, और 4 घंटे ये अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको देखने में मिल रहा होगा 4 दिन 7 8 9 घंटे हो गए, लेकिन 9 घंटे नहीं है। 9 घंटे में मैं आपको बता दूं केवल 5 घंटे ही आप पढ़ाई करोगे, बाकी की 4 घंटे तो आप लोगों की जो है क्लास, अपने कॉन्सेप्ट समझने में, रूल्स को समझने में, और जो तुम 3-4 घंटे में जो पढ़ाई करोगे उसको 5 घंटे में तैयार करोगे। तो ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पर तो आपके मोटे तौर पर डेली रोज 5 से 6 घंटे आपके लगेंगे, जो आपके मेन जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको तैयार करने में लगेंगे। और अगर आप इस तरीके से रणनीति को फॉलो करेंगे तो आपको यकीनन सफलता जरूर मिलेगी और आप अपने वर्दी के सपने को साकार कर लेंगे। अब मैं बताता हूँ कि जीएस के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। देखो एक लुसेंट की जीएस तो आती है, आप लुसेंट की सामान्य अध्ययन की बुक जो नई वाली है उसको आप ले सकते हैं, और रेलवे के तहत जो वैकेंसी आती है, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, रेलवे के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है
ये स्पीडी की है, सामान्य अध्ययन की और स्पीडी के सामान्य विज्ञान की। ये जो आपकी तीन बुक्स है यहाँ पर, ये जीएस के लिए बढ़िया है। मैं बार बार जब भी बच्चों को बताता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि इससे प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। बाकी जब आप इस बुक से प्रैक्टिस करोगे, जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, तब आप चेंजेस देखोगे कि हाँ आपने जो पढ़ा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, चीजें याद है कि नहीं है, और ऐसे आपकी प्रैक्टिस सबसे बेहतरीन होगी। तो आपको 50 जो नंबर की जीके आएगी, कम से कम आपको 30+ स्कोर करना है। ये अपने माइंड में सबसे पहले सेट कर लीजिए। ये तीन बुक रहेंगी जीएस के लिए बेस्ट, जिसमें लूसेंट है और स्पीडी की सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान है। इसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे, सबसे बेस्ट बुक रहती है आर के झा। आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जो कि रीजनिंग की आपकी बेस्ट बुक रहेगी। और मैथ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, जिसको मैथ में कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से छोटे बच्चों की तरह सीखना है, तो एचडी यादव की बुक बेस्ट रहेगी आप सभी लोगों के लिए। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक रहेंगी। और इनसे पढ़ने के बाद, जब आप इनसे प्रैक्टिस करोगे, इनसे प्रैक्टिस करनी, ये बुक्स जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बुक्स आपको जरूर सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इन बुक्स से पढ़ाई करोगे, इनसे प्रैक्टिस करोगे, तो फिर आपको हमारी जब क्लास लोगे तो आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा कि हाँ वाकई में सर कुछ बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप, वरना ऐसे में कुछ भी पढ़ाऊंगा तुमको समझ में नहीं आएगा। और इसके अलावा तुम्हारे लिए मैं क्या फ्री लाने वाला हूँ, तो फ्री आपकी डेली आरपीएफ स्पेशल के लिए, आरपीएफ बैच के तहत 5 से 6 घंटे की क्लास लाइव हुआ करेगी डेली। अगर आपको हमारे बैच से जुड़ना है, और मैं ये बैच बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री में लॉन्च करने वाला हूँ। हम लोग यूट्यूब पर डेली लाइव पढ़ेंगे, वो भी फ्री, 5 से 6 घंटे की आपकी एक क्लासेस चलेंगी, जिसमें मैं आपको फुल सेट कराया करूंगा। जैसे कि एक ही सेट होगा, उसमें मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, जीके भी होगी, साइंस भी होगी। ऐसे में आप लोगों को कम से कम 2 से 3 4 क्लास कराऊंगा, और आपके जो हमारे टीम में जो भी है सबसे बेस्ट टीचर्स, वो भी आपको आके पढ़ाएंगे। तो बीएसए ट्रिकी क्लासेस के साथ तैयारी होगी आसान। अब तैयारी बनाइए आसान और आज ही ज्वाइन कीजिए बीएसए ट्रिकी क्लास। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो भैया मात्र जो है यहाँ पर 0.009 सेकेंड लगता है यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और इसके अलावा ये आपको 90 दिन तक फॉलो करना है। और मैं आपको बता दूं, पेपर 4 महीने हो सकता हो, 5 महीने में हो, तो ये आपको इतना पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, 1 महीना इसको फॉलो करके देखेंगे, फिर मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा, आपको रिविजन कराऊंगा, जो मैंने पढ़ाया है उसको मैं रिविजन के तौर पर फिर दोबारा से आपसे पूछूंगा और आपकी प्रैक्टिस को मजबूत कराऊंगा। और बाकी मैंने बुक लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी है। ये हमारा अच्छा व्हाट्सएप चैनल है, आप हमें जो है व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो, यहाँ पर फॉलो बटन आएगा, तो आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने का लिंक दूंगा। इससे क्या होगा, जब भी आपकी आरपीएफ की क्लास चला करेगी, तो यहाँ पर मैं आरपीएफ के नाम से वीडियो को सेंड करूंगा, और फिर मैं आपको बुलाऊंगा कि हाँ आपकी आरपीएफ के बैच की क्लास आ रही है, अगर आप इच्छुक हैं तो आप आ जाइए, अगर आपको वर्दी चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इसको आप 1 महीना फॉलो करके देखिएगा, और जो भी चेंजेस है मुझे बताइएगा। ओके, तो अगर आप लोगों का भी सपना वर्दी को पाने का है, तो आज और अब से हमारे साथ लग जाइए और आज ही जुड़िए बीएसए ट्रिकी क्लास से। चलिए मिलते हैं, ख्याल रखिएगा, जय हिंद, वंदे मातरम।